जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप हो NIOS के स्टूडेंट और आप क्लास 10th या 12th का एग्जाम देने जा रहे हो या दे चुके हो या फिर प्लान कर रहे हो देने के लिए, तो आप सभी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि NIOS बोर्ड में पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, कितने मार्क्स हमें प्रैक्टिकल में चाहिए होते हैं, कितने थ्योरी में चाहिए होते हैं और कितने TMA में चाहिए होते हैं। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो NIOS स्टूडेंट के मन में रहता है, क्या तीनों में मिलाकर अगर हमें 33% मिल जाते हैं तो हम पास हो जाते हैं, या फिर हमको अलग अलग सभी में 33% लाना पड़ता है। और ये कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में है। मेरा जो ये आज का वीडियो है, सबसे पहले तो इस वीडियो में बोलने की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है और आपको देखना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट है या 12th के, आपको 10th का भी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखना है और 12th का भी देखना है, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। और अगर आप 10th में हो तो भी आपको 12th और 10th का दोनों का देखना पड़ेगा। तो ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ही मजा आता है, जहां पर आपको स्टूडेंट्स को कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, वहां पर स्टूडेंट को पता है कि मेरे को लास्ट तक ये वीडियो देखना है ताकि मेरे को सारी जानकारी मिल सके। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी सब्सक्राइबर्स को जो लोगों ने हमें इतने कम समय में इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर हमारे बन चुके हैं, और इतने सारा हमको जो प्यार आप लोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि NIOS में पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है। सबसे पहले तो सभी को पता है, और साथ साथ में यहाँ पर बात करेंगे ग्रेस मार्क्स की। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कितने मार्क्स का ग्रेस हमको मिलने वाला है यहाँ पर, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और चाहे हमारा थ्योरी एग्जाम है या हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है या फिर हमारा TMA है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे अगर हम कोर्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो कोर्स में हमारे पास दो है, सेकेंडरी कोर्स है तो हमारा क्या है 10th है, और सीनियर सेकेंडरी है तो हमारा क्लास 12th है, सभी को पता है। अब मिनिमम ऑफ 33% मार्क्स इन द एग्रीगेट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वेयर एप्लीकेबल, जहां पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही एप्लीकेबल है, दोनों ही हैं, वहां पे हमें 33% मार्क्स एग्रीगेट यानी टोटल चाहिए होते हैं, किसमें? क्लास 10th के लिए। पास होना बहुत जरूरी है किसी भी 5 सब्जेक्ट में, और इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा ये बता रहा है कि आपको कोई भी 5 सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करने हैं, उन 5 में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना जरूरी है। सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि अ मिनिमम ऑफ 33% मार्क्स सेपरेटली इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। नाउ देखो डिफरेंस क्या आ गया क्लास 10th और 12th में, यहां पर क्या वर्ड यूज कर रहे थे, एग्रीगेट मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स मिलाकर जो है हमको 33% मार्क्स लाने हैं, लेकिन यहां पे कह रहे हैं सेपरेटली मतलब थ्योरी में आपको 33% मार्क्स लाने हैं और प्रैक्टिकल में भी 33% मार्क्स लाने हैं, तब आप पासिंग क्राइटेरिया में आते हो क्लास 12th के स्टूडेंट। पास इन 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2 लैंग्वेज, यहाँ पे भी वही है, 5 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, उनमें से कोई एक मिनिमम लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। इसको मैं डिटेल में आगे बताता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्लास 10th की। अच्छा, मैं क्लास 10th की बात करूँ तो 12th के स्टूडेंट भी इसे देख लीजिए, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके, टाइप ऑफ सब्जेक्ट की। टाइप ऑफ सब्जेक्ट में हम उन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिनमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल कोई भी नहीं है तो यहाँ पर ये जो IA लिखा है ना, IA का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरनल असेसमेंट यानी कि TMA। TMA यहाँ पर कितना होता है, 20% यानी कि 20 मार्क्स का आपका थ्योरी क्या हो गया, TMA हो गया, और आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है। कौन सा वाला मैं बात कर रहा हूँ, 10th क्लास के वो सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपको थ्योरी में इस 80 में से एटलीस्ट 26 मार्क्स लाने ही लाने हैं। 80 में से एटलीस्ट आपको 26 मार्क्स लाने ही लाने हैं, क्लास 10th स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, थ्योरी की उन सब्जेक्ट की जो कि विदाउट प्रैक्टिकल है। और अगर हम TMA की बात करते हैं, इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं, तो TMA में आपको 0 से लेकर 20 नंबर तक मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है 0 से लेकर 20, और इवन आप एब्सेंट भी हो सकते हो, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका टोटल 33 आ जाता है, टोटल आपका 33 आ जाता है, तो आप यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हो। पहला फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट थ्योरी में तो 33% होना ही चाहिए, तो 80 का 26 नंबर जो है हमारा 33% तो हो ही गया।
और एग्रीगेट यानी कि टोटल हमारा 33% होना चाहिए। तो यानी कि जब एग्रीगेट भी 33 हो जाता है, टोटल आपका 33 आ जाता है, तो इसका मतलब आप हो जाते हो यहाँ पर पास। उसके बाद अगर मैं बात करूं उन सब्जेक्ट की जो विद प्रैक्टिकल है, यानी कि जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, तो क्लास 10 में आप सभी को बताया कि जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो ज्यादातर कितने मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अब 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है तो बचते हैं कितने हमारे पास, 85 मार्क्स। 85 मार्क्स में से हमारे 17 मार्क्स का हो जाता है टीएमए, टीएमए चला जाता है हमारा 17 मार्क्स का, और जो बचता है 68 मार्क्स उसकी होती है थ्योरी। यानी कि पेपर तो आपको 80 मार्क्स का मिलता है, जरूर 85 मार्क्स का मिलता है, लेकिन वहां पर वेटेज आपका 68% से ही निकाला जाता है। तो जो लोगों को क्लास 10th में स्टूडेंट है और आपके पास ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें प्रैक्टिकल है, जैसे मैथ्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस एंड अदर प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड कोई भी और सब्जेक्ट है वो, तो यहाँ पर देखिए आपको ना जो थ्योरी है 68 मार्क्स का, उसमें आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 27 मार्क्स चाहिए ही चाहिए थ्योरी में, चाहे आपके प्रैक्टिकल में कितने भी आ रहे हो, टीएमए में आपके कितने भी आ रहे हो, लेकिन आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 27 मार्क्स आपको चाहिए हैं, किसमें, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को मिलाकर, दोनों के दोनों, है ना। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर यहाँ पर 27, और अगर हम टीएमए की बात करें तो टीएमए में आपको 0 से लेकर 17 तक कुछ भी मार्क्स मिल सकते हैं, और इवन आप यहाँ पे एब्सेंट भी हो सकते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा टोटल 33 आ जाता है तो हमारे यहाँ पर ये कंडीशन दोनों फुलफिल हो जाती है कि 33% इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टुगेदर। अब यहाँ पे क्या है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, टुगेदर, यानी कि हमको जो प्रैक्टिकल मार्क्स है और हमारा जो थ्योरी का मार्क्स है, इन दोनों को मिला के 33% हमारे हो जाना चाहिए, और जो कि 33% मार्क्स हमारे अगर 68 से देखें तो 27 आ रहा है, यानी कि 27 मार्क्स हमको एटलीस्ट यहाँ पर चाहिए, और उसके बाद आपका टोटल हमारा कितना होना चाहिए, 33 मार्क्स, तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पर हो जाता है पास। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि हमारा थ्योरी जो 68 मार्क्स का हमारा होने वाला है और हमारा जो प्रैक्टिकल हुआ है, इन दोनों को मिला के हमारे पास एटलीस्ट मिनिमम 27 मार्क्स होने चाहिए, और फिर बाद में टीएमए में हमारे जो भी मार्क्स आ रहे हो अगर उनको जोड़ के हमारे पास टोटल 33 मार्क्स हो जाते हैं, तो वो स्टूडेंट हो जाता है पास। यानी कि अगर आप देखो कि 27 मार्क्स हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर अगर आ गए, तो सिर्फ टीएमए में हमें यहाँ पर चाहिए होंगे आपको 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स और जुड़ते ही टोटल हो जाएगा कितना, 33, और 33 होते ही दैट स्टूडेंट विल गेट पास। और उसके बाद यहाँ पर दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक आपका पेंटिंग और डाटा एंट्री, इनको सेपरेटली रखा है इस कंडीशन से। क्यों सेपरेटली रखा है, क्योंकि यहाँ पर ये वो केसेस हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल जो है थ्योरी से ज्यादा मार्क्स के हैं। यानी कि आपका अगर हम देखें तो सबसे पहले पेंटिंग की बात करते हैं, तो पेंटिंग का जो प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स है, 70 मार्क्स का, और टीएमए यानी कि इंटरनल असेसमेंट 6 मार्क्स का, तो बचते हैं कितने, 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स, पेपर आपका 30 मार्क्स का आएगा लेकिन वेटेज आपका 24 मार्क्स से लिया जाएगा, और यहाँ पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर, आपका एटलीस्ट कितना मार्क्स होना चाहिए, 31 मार्क्स। किस सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, पेंटिंग में, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर 31 मार्क्स होने चाहिए। फिर टीएमए में कितने भी आपके मार्क्स मिले हो, 0 से लेकर 6 या आप एब्सेंट हो, टोटल आपका 33 आना चाहिए, तो आप भी पास हो जाते हो। अब यहाँ पे देखो मोस्टली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 70 मार्क्स का है, अब 70 मार्क्स में से मान लीजिए एक स्टूडेंट है उसके प्रैक्टिकल में आ गए 50 मार्क्स, और जो ये थ्योरी था 24 इसमें आए मान लीजिए उसके 10 मार्क्स, और टीएमए उसने दिया ही नहीं मान लीजिए, उसको टीएमए दिया ही नहीं, तो भी 50 + 10 टोटल हो जाता है 60, और यहाँ पर ये क्राइटेरिया पास कर जाता है क्योंकि हमें मिनिमम मार्क्स 31 चाहिए लेकिन आपके कितने आ रहे हैं 60, और टोटल 33 चाहिए लेकिन टोटल आ रहा है आपका कितना 60, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हो जाता है पास पेंटिंग सब्जेक्ट में। इसी तरीके से डाटा एंट्री सब्जेक्ट अगर हम ऑपरेशन लेते हैं तो यहाँ पे 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है, 8 मार्क्स का यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट यानी कि टीएमए हो जाता है, और 32% यानी कि 32 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम रहता है। एग्जाम क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का आता है, 32% से वेटेज निकाला जाता है। यहाँ पर आपको इन दोनों को जोड़कर यानी कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, इन दोनों को जोड़कर आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, 30 मार्क्स होने चाहिए, और जो आपके टीएमए में जुड़ेगा वो मार्क्स आपका ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद टोटल आपको मार्क परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए कितने,
33, यानी कि अगर आपके 30 मार्क्स आते हैं इन दोनों को जोड़ के, तो टीएमए में 3 मार्क्स भी आते हैं तो आप आराम से पास हो जाते हो यहाँ पर। और इवन अगर टीएमए में कोई एब्सेंट भी होता है तो भी वो यहाँ पर पास हो जाता है। इवन अगर आप प्रैक्टिकल या थ्योरी, थ्योरी में भी आप एब्सेंट हो जाते हो और प्रैक्टिकल में ही आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं तो भी आप पास हो जाते हो। तो ये था पूरा क्राइटेरिया किसका, क्लास 10 का। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट स्लाइड लेकर आ रहा हूँ किनके लिए, क्लास 12 के लिए, लेकिन 10th क्लास के स्टूडेंट भी इसको देखे ताकि आपको समझ में आ जाए डिफरेंस क्या है। अब देखिए क्लास 12 के स्टूडेंट सीनियर सेकेंडरी कोर्स, सबसे पहले तो हम क्या विदाउट प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया बिल्कुल क्लास 10th की तरह है। थ्योरी 80 मार्क्स का होगा, टीएमए आपके जो है 20 मार्क्स के होंगे, और थ्योरी में यहाँ पर आपको लाना होगा 80 में से कितने मार्क्स, 26 मार्क्स, एटलीस्ट 26 मार्क्स लाने होंगे। और फिर जो भी आपके टीएमए में आए होंगे वो टीएमए के आपके ऐड होंगे, और ऐड होने पे अगर आपका 33 मार्क्स के ऊपर चला जाता है या 33 आता है तो आप हो जाते हो पास। ये सिंपल क्राइटेरिया तो वैसे ही हो गया जैसे क्लास 10th का। 12th में जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, होम साइंस एंड अदर प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टीएमए है आपके कितने मार्क्स के, 16 मार्क्स के टीएमए है, 16 मार्क्स के। 16 मार्क्स का क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क्स का है, और 20 प्लस 16 अगर हम कर दें तो वो आपका आ जाता है 36, तो 100 में से 36 लेस करें तो थ्योरी बचता है कितना, 64 मार्क्स का। तो यानी कि ये आपका थ्योरी हो गया, ये प्रैक्टिकल हो गया, और ये आपका हो गया टीएमए। अब यहाँ पर क्राइटेरिया देखो, समझो यहाँ पर टुगेदर की जगह एक नया वर्ड आ गया सेपरेटली। 33% मार्क्स आपको सेपरेटली चाहिए थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको 33, यानी कि अगर आप देखो तो यहाँ पर इस 64 में से थ्योरी में आपको लाने होंगे कितने मार्क्स, 22 मार्क्स जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल है, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 20 मार्क्स का उसमें से लाने होंगे आपको कितने मार्क्स, एटलीस्ट 7 मार्क्स, और जो भी आपके टीएमए के मार्क्स होंगे वो सब जुड़ जाएगा, और टोटल आपका 33 आना ही चाहिए, 33 या 33 से अबव आना चाहिए, तब ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होती है और तब आप यहाँ पर पास होते हो। यानी कि इस केस में, क्लास 12th वाले केस में हमको सेपरेटली थ्योरी में भी पास होना है 33%, सेपरेटली प्रैक्टिकल में भी होना चाहिए, और टोटल भी हमारा 33% से ऊपर आना चाहिए या 33 आना चाहिए, तब हम लोग यहाँ पे पास होंगे। फिर क्लास 12th में भी तीन सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया गया है, पेंटिंग, डाटा एंट्री और कंप्यूटर साइंस। कारण वही है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स ज्यादा है और थ्योरी के मार्क्स यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर अगर हम पेंटिंग में चले जाते हैं तो पेंटिंग में भी 70 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, 6 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, टीएमए, तो बचते हैं 24 मार्क्स जो आपका थ्योरी हो जाता है। क्वेश्चन पेपर आपको 30 मार्क्स का मिलेगा, वेटेज 24% से निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा यहाँ पे पेंटिंग का, इसमें आपको थ्योरी में पास होने के लिए एटलीस्ट मार्क्स चाहिए 8 मार्क्स मिनिमम पेंटिंग में। क्लास 12th के स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए, 8 मार्क्स से नीचे अगर आपके थ्योरी में आते हैं तो आप क्लास 12th को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और प्रैक्टिकल में एटलीस्ट मिनिमम 23 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप 33% ये वाली क्राइटेरिया पूरा करते हो। और उसके बाद इन तीनों को मिलाकर आपका थ्योरी, आपका प्रैक्टिकल और जो भी आप टीएमए में आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपका 33 या 33 से अबव होना चाहिए, तो आप ये कंडीशन भी फुलफिल करते हो तब आप यहाँ पर पास होते हो। उसके बाद आ जाइए डाटा एंट्री ऑपरेशन। डाटा एंट्री ऑपरेशन में भी सेम क्राइटेरिया आपका, यहाँ पर 60 मार्क्स का आपका क्या है, प्रैक्टिकल है, टीएमए अगर हम देखें 8 मार्क्स का है, और थ्योरी हम देखें यहाँ पे कितना है, 32 मार्क्स का। जो डाटा एंट्री ऑपरेशन का पेपर देने जा रहे हो वो क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का आएगा, लेकिन 32% का वेटेज लेंगे तो 32 में से एटलीस्ट आपको 11 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेशन में थ्योरी में मिनिमम 11 मार्क्स आपके आने ही चाहिए, और प्रैक्टिकल जो आपका 60 मार्क्स का हुआ है उसमें मिनिमम आपके 20 मार्क्स होने चाहिए, और बाकी आपको टीएमए में 0 से लेकर 8 मार्क्स के बीच में कुछ भी आ सकता है या हो भी सकता है कि आप एब्सेंट हो, लेकिन अगर आपके 33 हो रहे हैं इनको मिला के भी तो भी आप यहाँ पे किस क्राइटेरिया में चले जाते हो, पासिंग क्राइटेरिया में चले जाते हो। उसके बाद एक और सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका क्या है, जो प्रैक्टिकल है वो 40 मार्क्स का है, इस वजह से टीएमए यहाँ पे 12 मार्क्स का है, तो बचते हैं कितने, 48 मार्क्स।
क्वेश्चन पेपर आपको 60 मार्क्स का मिलेगा, लेकिन परसेंटेज 48% का वेटेज लेके चलेंगे। और इस 60 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में यानी कि 48 में से आपको चाहिए कितने मार्क्स, मिनिमम मार्क्स 16, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं। और आपका जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो 40 है, 40 में से आपको चाहिए 13 मार्क्स, और जो भी टीएमए में आएंगे उनको जोड़ के 33 हो जाना चाहिए, तो आप भी हो जाते हो पासिंग क्राइटेरिया में पास।